मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर धर्मकांटे के पास कल्चर रेस्टोरेंट का शुभारंभ काट के विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ठाकुर राकेश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे काट के विधायक का सोशल डिस्टेंस के साथ रेस्टोरेंट की टीम द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने हवन पूजन में भी शिरकत की। हम आपको बता दें कि धर्मकांटे पर स्थापित कल्चर रेस्टोरेंट आज के युवाओं की जरूरत को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है। रेस्टोरेंट के ओनर अर्पित चौहान और ठाकुर मनीष सिंह द्वारा बताया गया कि बदलते दौर में खान पान की जरूरतों को भी बदला गया है और आज की युवा पीढ़ी के लिए कल्चर रेस्टोरेंट द्वारा अपने ग्राहकों को वेस्टर्न और अन्य तरह की डिशेज उपलब्ध हो सकेंगी। ठाकुर मनीष सिंह कहते हैं कि मुरादाबाद की जनता के लिए ये खुशी की बात है कि जो कल्चर रेस्टोरेंट पर हम अपने ग्राहकों को बेहतर से बेहतर खान पान उपलब्ध करा रहे हैं। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची डॉक्टर शेफाली सिंह द्वारा मुबारकबाद पेश की गई। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने पहुंचे काट के विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू द्वारा कहा गया कि आजकल युवाओं में कुछ ना कुछ नया करने का क्रेज देखा जा रहा है और ये हम सभी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नया करने से अच्छा संदेश जाता है और यूथ को एक नई दिशा भी मिलती है। सही वक्त में सही फैसला लिया गया है और मेरी शुभकामनाएं रेस्टोरेंट संचालन समिति के लिए हैं। रेस्टोरेंट का जो लुक दिया गया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और मुरादाबाद की जेनरेशन के लिए एक मॉडल भी। जिस अंदाज में कल्चर रेस्टोरेंट को मॉडिफाई किया गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सिटी चैनल से बात करते हुए काट के विधायक एवं मुख्य अतिथि राजेश कुमार सिंह चुन्नू द्वारा कहा गया। आज हमारे जो उप जिलाध्यक्ष रहे हैं राकेश जी, उनके बेटे मनीष चौहान पर जो प्रमुख हैं इस समय मुरादाबाद ब्लॉक के, और जो हमारे अर्पित चौहान हैं, इन्होंने एक रेस्टोरेंट यहाँ खोला है। क्या नाम है? कल्चर रेस्टोरेंट। इसके उद्घाटन समारंभ के मौके पर मैं यहाँ आया था और पूजा थी आज, तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ। क्या कहना चाहते हैं जनता? मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। रेस्टोरेंट इनका अच्छा चला, जो इन्होंने काम शुरू किया है और मुरादाबाद में इन चीज़ों कभी भी है, कहीं भी मनोरंजन के साधन या कहीं बैठने उठने के लिए ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट नहीं है मेन रोड पे, तो मेरी तो ये सब कामना है इनके साथ है कि अच्छा चले रेस्टोरेंट और ये लोग इसे ईमानदारी से और अच्छी सेवा दें, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ईमानदारी और अच्छी सेवा होती है तो वहाँ चलेगा भी अच्छा ही। वहीं कल्चर रेस्टोरेंट के पार्टनर ठाकुर मनीष सिंह द्वारा इस अवसर पर कहा गया। कल्चर रेस्टोरेंट है। कौन कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि रहे हैं? मुख्य अतिथि कौन कौन आए थे? मुख्य अतिथि राजेश कुमार चुन्नू जी, जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी लोग सहभागिता करेंगे इसमें। मुरादाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहोगे रेस्टोरेंट को लेकर? बस मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस के चलते हुए, कोविड कोरोना के चलते हुए, ये हमने रेस्टोरेंट की पहल की है जिसमें सोशल डिस्टेंस का फासला रखते हुए, सोशल डिस्टेंस को मानते हुए हमने इसमें सिटिंग प्लान किया है। साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, टाइम टाइम पे सैनिटाइजर और सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उसके तहत इसका हमने संचालन किया। क्या अपील करना चाहोगे लोगों से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जब तक प्रोसेस ना हो जरूरत तब घर से ना निकले, और अगर ज़रूरी है, मजबूरी है तो फिर निकलना है, तो ध्यान रखें। किस तरह की व्यवस्थाएँ आपके द्वारा यहाँ जनमानस के लिए की जा रही है? हमारे यहाँ पे अल्प आहार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, नाश्ते की, चाय की, खाने की व्यवस्थाएं हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेफाली सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश रानी, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, अर्पित चौहान, हरकेश दत्त, कौशिक, अभिषेक ठाकुर आदि भी मौजूद रहे।